पिछले काफी समय तो पिंड सेखोवाल की 407 एकड़ जमीन का मामला चलता आ रहा है। उस मामले में आम आदमी पार्टी के विरोधी धिर के नेता हरपाल सिंह चीमा और सरबजीत कौर मानुके पिंड सेखोवाल पहुंचे और दलित परिवारों को हर सहयोग देने का भरोसा भी दिता। उन्होंने विरोधी पार्टियां निशाना साधदियां कहा कि पिछले कुछ दिन पहला पिंड सेखोवाल की जमीन उत्ते सरकार वालों फैक्ट्री बनाने के लिए रात को धक्के पुलिस वालों सरपंच और पंच को चुक के कूमकलां तहसील के धक्के जमीन की रजिस्ट्री करवाई जा रही थी, जिसके विरोध में लोक इंसाफ पार्टी और आम आदमी पार्टी के आगू आए सन, जिन्हां वालों उस दिन रजिस्ट्री होने तो रोकया गया सी। हुण वख वख आगू पिंड सेखोवाल विखे पहुँच रहे हैं। जिहड़ी लड़ाई तुसीं अज लड़ रहे होगे लोकां दी लड़ाई आ, इह आम लोक आम घरां दे नौजवानां दी लड़ाई आ, आम घरां धीआं पुत्तां दी लड़ाई आ। इहदे विच आम आदमी पार्टी डट के तुहाडे नाल खड़ी आ। पहलां सरबजीत कौर माणुके जी भी आ के गए ने, हुण मेरी ड्यूटी लगी आ। लगातार असीं आउंदे रहांगे, जदों भी कोई पंजाब सरकार चाहे उह कैप्टन साहब दा कोई नुमाइंदा गा, चाहे पंजाब पुलिस दा कोई अधिकारी आ, चाहे कोई BDPO आ, चाहे कोई DDPO आ, जदों भी तुहाडी जमीन वल अक करके चाकूगा तां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे, संघर्ष करांगे। संघर्ष जिहड़े हुंदे ने जदों लोक अपने घरां नूं छड्ड के संघर्ष करदे नेगे तां उह संघर्ष जिहड़े हुंदे ने सफल हुंदे नेगे। इह जिहड़ी सरकार दी कोशिश आ आपां इहनूं असफल बनाउणा गा, आपां सारिआं ने यूनाइट रहिणा गा, इकट्ठे रहिणा गा। किसे भी प्रकार की जिहड़ी आपस च जिहड़ी आ पाटोतार दिखणी नहीं चाहीदी, क्योंकि जिस तरह तुसीं ने लंबा समां साबका सरपंच साहब ने दस्सिया कि लंबा समा 36 साल तो उपर जिहड़ा हैगा इन्हां ने कानूनी लड़ाई लड़ी आ, लगभग चाहे वह सब डिवीजन तो लैके सुप्रीम कोर्ट तक की गल आ। BD पहुंचे हो की मामला है पूरा और आम आदमी पार्टी इस अंदोलन में जिहड़ा कित्थे तक लैके गए? देखो 407 एकड़ जिहड़ी जमीन आ जिहड़ी पिंड वासियां लगभग 40-45 साल ला के अपनी जिंदगी दे बेहतरीन समा ला के आबाद कीती आ, अजे रोटी खाण लगे ने, अजे पैरां सिर होए ने। कि सरकार जिहड़ा हैगा खास तौर ते पंजाब दे दलित भरावां दे पिछे पई हुई आ, उहनां दी जमीन जिहड़ी हड़पणा चाहुंदी आ। पंजाब दे विच हज़ारां एकड़ जमीन जिहड़ी आ सरकार ने पहलां अक्वायर कीती हुई आ, उहदा कब्जा लिया होया हैगा। उत्थे इंडस्ट्री क्यों नहीं स्थापित करदे, क्यों नहीं जिहड़ा हैगा जिहड़ी पहलां जमीन लई आ उत्थे इंडस्ट्री स्थापित करदे? इत्थों पता लगदा कि पंजाब दा लैंड माफिया जिहड़ा हैगा उह कैप्टन साहब दी जिहड़ी आ उहनूं गाइड कर रहा। अज लैंड माफिया सरकार चला रहा, कैप्टन साहब सरकार नहीं चला रहे, गरीब लोगों का धक्का कर रहा। सरकारां लोगों को रोटी देने लई हुंदियां ने, सरकारां लोगों को रुजगार देने लई हुंदियां ने, पर लेकिन लोगों की रोटी खोई जा रही आ, लोगों का रुजगार खोया जा रहा है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूगी, डट के लोगों के नाल आ, जिथे तक लैके जाएंगे वो संघर्ष लड़ांगे। सरकार का यह कहना है कि अगर इतने इंडस्ट्रियल पार्क एस्टैबलिश हुंदा है तो लोगों को जो इतने लोकल वसनीक ने रुजगार मिलेगा, मिनीम जो 15,000 रुपया हर परिवार कमाएगा इस इंडस्ट्रियल पार्क तो बाद, तो फिर यदा नुकसान की है? देखो जिहड़ियां पहलां जमीनां अक्वायर कीतियां ने जिहड़ियां पंजाब दे विच, चाहे वह मानसा की गल आ, चाहे वह जीरकपुर की गल आ, चाहे राजपुरे की गल आ, चाहे गोविंदपाल साहब की गल आ, चाहे बटाले की गल आ, उत्थे इंडस्ट्रियल पार्क क्यों नहीं स्थापित किए है? सरकार जमीना अक्वायर कर लैंदी आ, उदू बाद लैंड माफिया नूं बेच दिंदी आ। सरकार पहलां जिहड़ियां जमीनां खाली पईआं ने, जिहड़े प्लाट खाली पए ने पंजाब दे विच, सब तो पहलां उत्थे इंडस्ट्री स्थापित करे, उस तो बाद इधर वल देखे। जदों जमीन आलरेडी खाली पई आ उत्थे क्यों नहीं जिहड़ी इंडस्ट्री लाई जांदी? इह कैप्टन साहब दा दोगला पाणा दोगला चेहरा गा। सो उहनां नूं चाहिए गरीब लोगों ने धक्का ना करन। आम आदमी पार्टी डट के खड़ी आ, पंजाब विधानसभा दे विच इह मसला उठावांगे, बिल्कुल सैशन नहीं चलन देवांगे, इस फैसले का विरोध करांगे। इंडस्ट्री के नाते इहनूं जिहड़ा हैगा इहदा इहदा इहनूं बेचण जा रहे हो, बिल्कुल कदे बर्दाश्त नहीं होगा। तुसीं पंजाब के लोगों को, पंजाब के लोगों ने तुहानूं इस गल करके वोटां पाईआं सीआं, तुहानूं इस गल करके पंजाब का CM चुनिया सी कि तुसीं पंजाब के लोगों की भलाई करोगे, उन्होंने दुखां दर्दां सहाई होवोगे, उन्होंने रोजी रोटी का प्रबंध करोगे, उन्होंने रुजगार दोगे। हुण तुसीं रुजगार ना खो, इस गल करके मेरी अपील आ कि फैसला जिहड़ा तुसीं कर रहे हो तुरंत वापस लो। सो जिहड़ा भी लोक विरोधी फैसला पंजाब च होगा उहदा असीं डट के विरोध करांगे। खास तौर पर पिंड सेखोवाल की जिहड़ी जमीन आ, इस मुद्दे नूं पंजाब के हर घर तक लैके जावांगे, पंजाब के बच्चे बच्चे नूं, पंजाब के गरीब लोगों नूं, पंजाब के दलित लोगों नूं दसांगे कि कैप्टन साहब की रजवाड़ा शाही सोच तुहानूं उजाड़ना चाहुंदी आ, तुहानूं बर्बाद करना चाहुंदी आ। सो सारिआं नूं लामबंद करके इत्थे लैके भी आवांगे, इस फैसले का विरोध करांगे। साबका सरपंच साहब तीर सिंह जी ने दस्सिया कि तकरीबन 36 साल उन्होंने संघर्ष किया, और इस जमीन की खास तौर पर गल करिए तो पिछले तकरीबन 8 या 10 साल तो ये जमीन आबाद हुई है। पहले जमीन सारी बंजर सी, पिंड वासियों ने अपनी मेहनत के नाल बंजर जमीन को जिहड़ा आबाद किया, और यह इंडस्ट्रियल पार्क उस वेले लगाना क्यों नहीं सोचा गया? एक आबाद जमीन उजाड़ के जिहड़ा इंडस्ट्रियल पार्क लाने का जिहड़ा पंजाब कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है, क्यों जरूरत उन्होंने महसूस हुई? देखो पंजाब सरकार नूं कारपोरेट घराने चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रही आ, इस गल करके जिथे उन्होंने लगता गा कि इतने इस जमीन में जी आप महंगे भाव से बेचांगे, उन्होंने बेच रहे हैं। कि बठिंडे का थर्मल प्लांट जिहड़ा कि बंद किया गा, उत्थे कलोनी कट रहे हैं,
ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਏਕੜ ਕਹਿ ਕੇ 407 ਏਕੜ 'ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ BDPO ਆ ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਹ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਦੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਗਵਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇਗੇ, ਚਾਹੇ BDPO ਆ, ਚਾਹੇ DDPO ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਗੈਰ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਅਗਵਾਹ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਵੀ ਗਰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ TV।